हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी रहेंगी, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी है अपने डीएलएड 2021 में। साथ ही बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, बट आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, किस में आपका अच्छा मटेरियल दिया होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही कौन सी बुक्स हैं सबसे अच्छी डीएलएड 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बहुत सारी आप लोगों को जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारी गलतियां भी मिल जाएंगी, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कौन सी बुक्स आप सभी के लिए परफेक्ट रहेगी और किस में गलतियाँ कम है, साथ ही किस में मटेरियल जो है वो ईजी वे में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही आपको यहाँ पर डीएलएड से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सी बुक्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर की बेस्ट बुक रहेंगी। इस बार आप लोगों के टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट जो हैं वो हैं आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड के। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट हैं। इन 8 सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से कवर करना है, कहाँ कहाँ से कवर करना है, किस बुक में आपके अच्छा मटेरियल दिया होगा और किस प्रकार मैं आपके ये 8 सब्जेक्ट कवर कराऊंगी, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है आप लोगों की संस्कृत की बुक। यहाँ पे ये आपको दी है संस्कृत की बुक, और ये जो पब्लिकेशन है ये है आपका साहित्य पब्लिकेशन। साहित्य पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं वो अभी तक सबसे बेस्ट बुक रही हैं, क्योंकि इनमें मटेरियल जो है वो बहुत इजी वे में दिया होता है, साथ ही आपका बहुत करेक्ट मटेरियल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं। देखिए, गलतियाँ तो सभी बुक्स में होती हैं, बट कुछ बुक्स में कम गलतियाँ होती हैं, कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए डीएलएड के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस और बेस्ट बुक है अभी तक की, वो है साहित्य प्रकाशन। साहित्य प्रकाशन की बहुत ज़्यादा पुरानी बुक्स हो चुकी हैं, अभी तक जितने ही बच्चों ने पढ़ा होगा आई थिंक वो साहित्य प्रकाशन की बुक से ही पढ़ते आए हैं, और जो पब्लिकेशन की बुक्स हैं उनसे भी बच्चे पढ़ते हैं, बट इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है और ये SCERT नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो SCERT ने आप लोगों का नवीन पाठ्यक्रम कर दिया है डीएलएड 2021 में, तो उस पर ये आधारित है। आपकी डीएलएड 2021 की प्रथम सेमेस्टर की ये बुक्स रहेंगी। संस्कृत की ये आपकी बुक्स है। कक्षा शिक्षण विषय वस्तु सहित है, इसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा। साथ ही इसमें आपके पीछे साइड बैक में आप लोगों को लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिया होगा, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर उसका सिलेबस दिया हुआ है कि संस्कृत में कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, किस किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, पेज नंबर दिया हुआ है। तो बुक में तो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। संस्कृत की ये बुक है और ये साहित्य प्रकाशन की बुक है। ये जो बुक्स हैं ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएंगी, उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर ये बुक्स ईजिली वे में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप शॉप से भी लेना चाहते हैं तो अपने आसपास जो भी आपके बुक स्टोर हो वहाँ जाकर आप ये बुक्स देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन की। ये आपकी कुछ सामाजिक अध्ययन की बुक है, ये भी आपकी साहित्य पब्लिकेशन की बुक है। साहित्य पब्लिकेशन आपको प्रॉपर एक 8 सब्जेक्ट का प्रॉपर सेट बना के देता है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट होते हैं और उसमें प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के पीछे आप लोगों के क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का लगा होता है, जहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है और प्रॉपरली तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं भी देखिए आपकी क्लासेस लूँगी, मैं भी आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ाऊँगी। अगर आप मेरे नोट से, मेरी बुक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप लोग जब मैं पढ़ाऊँगी उससे पहले आप लोग इस बुक से अगर पढ़ के आते हैं, या फिर जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है वहाँ अगर आप पहले इन बुक से पढ़ के जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आगे के लिए। और अगर आप अपने इन फ्यूचर में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से बहुत ज़्यादा TET एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत प्रॉपरली तरीके से पढ़ें, क्योंकि इससे आपके TET में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आप लोगों की सामाजिक अध्ययन की बुक रहेगी, और इसका पेपर जो है ये आपका 50 नंबर का पेपर आता है। संस्कृत का आप लोगों का 25 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये बुक भी आप लोगों की साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, और ये
काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ के देखा है, बहुत अच्छी बुक है। जब मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक्स ली थी वो मैंने साहित्य पब्लिकेशन की ही बुक ली थी, उसी से मैंने पढ़ा था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, मेरे नोट्स अभी भी बने हैं, उससे मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाऊंगी। मेरे क्लासेस में जो नोट्स बनवाए गए हैं मैं उससे आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ाऊंगी। बट आप अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो ये बुक्स आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इससे भी अगर आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे सीरियस हैं DLED 2021 को लेकर, उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज़ कोई ना कोई बुक्स ज़रूर ले लें, घर पर सेल्फ स्टडी भी करें, कॉलेज में भी जाके पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना इन दो सालों में स्ट्रगल कर लेते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, वो आपके आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप ये दो सेमेस्टर प्रॉपरली तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका टेट जो एग्ज़ाम है बहुत ईजिली वे में निकल जाएगा, अगर आप ये दो साल पढ़ लेते हैं तो। ये आपकी बाल विकास की बुक है, और ये आपका पेपर जो है ये आपका 25 नंबर का पेपर आता है, और ये पेपर आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अभी तक ये पेपर आपने कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है, ये सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है अभी तक आपके लिए, और इसे आपको थोड़ा ज़्यादा समझना भी पड़ेगा और आपको लेट समझ में भी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बुक देखते हैं, तो यह हो गई आपकी तीन बुक। ये तीन बुक रहेंगी, एक आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपकी तीन बुक है। इनके मैंने आपको बता दिए कितने कितने नंबर के पेपर आते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आप लोगों की अगला जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसका भी आप लोगों का 50 नंबर का पेपर आता है, और ये आपकी साहित्य पब्लिकेशन की है। जो आपकी बुक है उसके पीछे आप लोगों को लास्ट ईयर का पेपर मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं प्रॉपरली किस तरीके का आपका लास्ट ईयर का पेपर आया था। लास्ट ईयर का पेपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपका जो पेपर है ये 50 नंबर का आता है, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट पेपर है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आपने इसको कभी भी नहीं पढ़ा है। तो ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है हिंदी। हिंदी का कक्षा शिक्षण विषय वस्तु सहित, ये भी आपके साहित्य प्रकाशन की रहेगी, और इस ये पेपर जो है ये आपका 25 नंबर का होता है। तो अगर आप प्रॉपर बुक से पढ़ते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है DLED के फर्स्ट सेमेस्टर में, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना के चलते हैं तो। उसके बाद सिक्स सब्जेक्ट है आप लोगों का कंप्यूटर। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कंप्यूटर भी आपका एक प्रॉपरली सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एजुकेशन, और ये आपकी साहित्य प्रकाशन की बुक है। लास्ट में आपको प्रॉपरली लास्ट ईयर का पेपर भी मिल जाएगा, और ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका पेपर आपका 25 नंबर का रहता है, तो ये भी आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सारे सब्जेक्ट की बुक्स लेने की, तो प्रॉपरली आप अलग अलग भी बुक्स ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग DLED की सारी बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं और कौन सी अच्छी आती हैं, किस में किस टाइप का मटेरियल रहता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बार। तो ये आपकी अगली जो है ये है आपका साइंस, मतलब विज्ञान का है, और विज्ञान में आपके 25 नंबर का पेपर जो है वो विज्ञान का आता है, और ये पेपर भी बहुत इजी नहीं है, आपको उसमें प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। साहित्य प्रकाशन की ये प्रॉपरली बुक है आपकी। साहित्य प्रकाशन DLED के लिए अब तक का बेस्ट प्रकाशन रहा है। साहित्य प्रकाशन की आप लोगों की गाइड भी आती हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये अगला आपका है गणित। ये आपकी सेवन्थ सब्जेक्ट था और ये है आपका 8 सब्जेक्ट। गणित का पेपर जो है ये आपका 25 नंबर का पेपर आता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और ये भी आपका साहित्य प्रकाशन की बुक है। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ आप लोगों की ये 8 बुक्स रहेंगी, गणित की, विज्ञान की, उसके बाद कंप्यूटर की, उसके बाद हिंदी की, शिक्षण अधिगम की बुक्स रहेंगी, ये आपकी हिंदी, शिक्षण अधिगम, कंप्यूटर, उसके बाद आप लोगों की रहने वाली हैं ये संस्कृत, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास। ये कुछ आप लोगों की 8 बुक्स का सेट रहेगा प्रॉपरली। ये बुक्स आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएंगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है ये लगभग आई थिंक 650 या 700 का कुछ पड़ जाता है, 720 या 750 कुछ आई थिंक, कन्फर्म प्राइस का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आपको 600 से लेके 750-800 के अंदर अंदर ही ये बुक्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगी, सारा सेट रहेगा। और अगर आप कानपुर के आसपास हैं तो भी मैं बता दूँ तो ये कानपुर में आप लोगों को परेड में ये बुक्स जो है वो सेकंड हैंड भी प्रोवाइड होती हैं, तो अगर आप लोग कानपुर के आसपास कहीं भी हैं तो आप परेड में जाकर एक बार देख सकते हैं, वहाँ पर आपको हाफ प्राइस में ये बुक्स ईजिली मिल जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन सी बुक्स हैं, अगली पब्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो आपका जो नेक्स्ट पब्लिकेशन है ये है आप लोगों का ठाकुर पब्लिकेशन। ये आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स हैं। ठाकुर पब्लिकेशन प्रॉपरली एक अलग से पब्लिकेशन है जो डीएलएड में ठीक है, बट ये सेकंड नंबर पे है। मैं कहूँगी फर्स्ट नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा कोई अच्छा पब्लिकेशन इस टाइम चल रहा है डीएलएड में तो वो है साहित्य पब्लिकेशन। उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो है ठाकुर पब्लिकेशन का। बट ठाकुर पब्लिकेशन में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ब्रॉड वे में दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समझाया है, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है जो ठाकुर पब्लिकेशन है उसमें। मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की भी बुक्स पढ़ के देखी हैं तो ये बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि बुक्स अच्छी नहीं है, इसमें थोड़े ब्रॉड वे में बताया गया है। और जो आपकी साहित्य पब्लिकेशन है उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप ये बुक्स ले सकते हैं, बट अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट और जो मेन मेन चीज़ें हैं वो पढ़नी है, मतलब जिसमें डीएलएड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको वो पढ़ना है तो फिर आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं, वो बुक्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। तो ये आपकी साहित्य पब्लिकेशन की बुक है और ये कुछ धीरज सिंह, आई थिंक नाम मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा, डॉक्टर धीरज सिंह इसके राइटर हैं। तो ये संस्कृत जो है, संस्कृत की बुक है आप लोगों की, और ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। इसमें भी आपके पीछे जो है वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया होता है, आगे प्रॉपरली आपको पेज नंबर, कौन कौन से आपके चैप्टर हैं इसके अंदर, संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, किस पेज नंबर पे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको दी होती हैं। और यहाँ पर हेडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी होती हैं, बट आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कोई बुक नहीं मिलेगी। डीएलएड में पेपर भी मैं आपको बता दूँ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं आता है, ना ही आप इंग्लिश टू इंग्लिश में अपनी कॉपी लिख सकते हैं, आपको हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि डीएलएड में जो टीचर्स हैं जो चेक करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोगों की कॉपी जो है वो चेक होती है वहाँ जाकर, तो वहाँ के जो टीचर हैं ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम के टीचर, तो अगर आप इंग्लिश में कॉपी लिख भी देते हैं तो वो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं देने वाले, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएंगे तो नंबर वो कैसे आपको देंगे। तो इसलिए आपसे मैं यही कहूँगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप हिंदी में लिखना सीखें। मैं आपको प्रॉपरली बहुत इजी वे में, बहुत इजी हिंदी के साथ पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी चीज़ें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस वजह से आप लोग हिंदी में ही पेपर दें और हिंदी में सारी चीज़ें देखें, और आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग प्लीज़ बुक खरीद लें, जिससे कि वो लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो उनको 6 महीने तक इंग्लिश प्रॉपरली आ जाएगी और इंग्लिश में वो प्रॉपरली तरीके से पेपर भी दे देंगे। तो ये आपका संस्कृत का 25 नंबर का पेपर होता है, ये हम सभी को पता है। उसके बाद है आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट रहा, और ये दूसरा सब्जेक्ट जो है ये है कंप्यूटर शिक्षा। आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर भी है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और इसके जो राइटर हैं ये डॉक्टर सुनील हैं, तो डॉक्टर सुनील की ठाकुर पब्लिकेशन में आप लोगों की ये जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। इसके प्राइस जो है ये थोड़े ज़्यादा हैं, ये कुछ आप लोगों को 8-9 या 1,000 की लगभग मिलेगी, मैंने बताया, क्योंकि इसमें ब्रॉड वे में चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं और बहुत प्रॉपरली तरीके समझाया भी गया है, ये इसमें प्लस पॉइंट है, बट बहुत ब्रॉड वे में चीज़ें हैं, पॉइंटेड चीज़ें कम मिलेंगी आपको और ब्रॉड वे में ज़्यादा मिलेंगी, इसलिए इसके प्राइस भी ज़्यादा हैं। तो इसके प्राइस जो हैं वो 800 से लेके 1,000 तक हैं, इसलिए इसे बच्चे थोड़ा कम खरीदते हैं, और साहित्य पब्लिकेशन के प्राइस भी सही हैं, इस वजह से बच्चे ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद अगली जो है ये आपका कंप्यूटर का 25 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी भी आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोगों को ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक जो है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सारी बुक्स को। उसके बाद अगली देखते हैं, अगली जो है ये है अगला आपका सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का पेपर जो है ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, और ये काफ़ी इजी पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा खासा पेपर आता है, आपको प्रॉपर इसमें पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अगर थ्योरी लिखनी नहीं आती है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक रहेगी, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ की बुक है, और ये आपको एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बुक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं इन बुक्स को। बट अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग और अगर आप मटेरियल के अकॉर्डिंग मुझसे पूछेंगे तो मैं यही आपसे कहूंगी कि आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक्स लें। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप गाइड भी ले सकते हैं, साथ ही अगर आप कोई एक सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इतनी सारी बुक्स या इतने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़नी है, 8 सब्जेक्ट की, तो आप अलग से एक एक दो दो सब्जेक्ट की बुक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ का आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है, और ये मैथ की आप लोगों की बुक्स है, ये आपके ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स है। आप ऊपर से इसका वो देख सकते हैं लोगो किस तरीके से है, आप जब बुक्स खरीदेंगे आपको लोगो किस प्रकार का मिलेगा ये आप देख सकते हैं, ये अभी आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। उसके बाद देखते हैं साइंस। साइंस भी आपका 25 नंबर का पेपर होता है, और आपकी ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें साइंस में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें ब्रॉड वे में मिलेंगी, काफ़ी एक्सप्लेन करके यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, तो ये बुक्स भी आप ले सकते हैं, अच्छी बुक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ईजी वे में और पॉइंटेड पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप साहित्य पब्लिकेशन की ही बुक लें।
नेक्स्ट शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट और न्यू सब्जेक्ट रहेगा। इसका पेपर जो है वो 50 नंबर का आएगा, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्रॉपरली इसको बुक से और प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं, जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसके उससे आप नोट्स बनाएं और आप प्रॉपरली चीज़ें नोट करें, बिकॉज आपको लास्ट टाइम रिविजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो ये भी आपका 50 नंबर का पेपर आता है और ये भी आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो ये कुछ आपकी 8 सब्जेक्ट की बुक्स हैं, पहली शिक्षा अधिगम और बाल विकास की, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है आप लोगों का और यहाँ दिया हुआ है गणित और विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर शिक्षा और हिंदी। तो ये आपकी कुछ 8 सब्जेक्ट की किताबें हैं, इनका भी प्रॉपर सेट आता है, ये सेट आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी किसी भी बुक स्टोर से। तो आप अपने आसपास बुक स्टोर पर देख लें या फिर मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइड, कौन कौन सी गाइड हैं जो आप ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि अगर आप एक अलग सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें सारे सब्जेक्ट की बुक्स लेनी चाहिए, तो एक आप अलग सब्जेक्ट की कोई भी बुक्स खरीद सकते हैं। ये है श्री विनोद पुस्तक मंदिर का पब्लिकेशन है और इसकी बुक जो है ये प्रॉपरली आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग से बुक्स प्रोवाइड करते हैं। प्रथम सेमेस्टर डीएलएड की बुक्स हैं ये आपकी, और ये जो बुक्स है ये है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, तो ये कुछ 60 या 70 रुपए की समथिंग बुक्स आती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉपरली आपको लास्ट में दिया हुआ है गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र सहित सभी में आपको लास्ट में लास्ट ईयर के पेपर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये जो बुक है इनके राइटर जो हैं ये हैं गुरशरण दास त्यागी और दूसरे जो हैं डॉक्टर मृदुलाल राय, ये दो इसके राइटर हैं, तो ये बुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी अलग से बुक्स मिल जाती हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें केवल एक या दो बुक्स लेनी है, जैसे मैथ की लेनी है या बाल विकास की लेनी है, शिक्षा अधिगम की लेनी है, तो ये भी आप अलग से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इससे। और क्योंकि मैं तो आपके सारे नोट्स बनवाऊंगी, पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आप लोगों का संस्कृत का भी यही सीन रहेगा, ये भी आपकी श्री विनोद पुस्तक मंदिर की ये आप लोगों की बुक है और ये डीएलएड 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है संस्कृत शिक्षण की, और बहुत ज़्यादा राइटर्स की बुक्स भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि संस्कृत की कोई एक ही बुक हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट राइटर्स की बुक्स भी मिल जाएंगी। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स रहेंगी और लास्ट ईयर के इसमें क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, तो आप अलग से भी ये बुक्स खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 70-80-90 कुछ रुपए की मिल जाएगी। इन सभी की लिंक जो है वो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगी और आप किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप खुद के नोट्स बनाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइड, आप गाइड भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, आप बहुत सॉल्ट वे में पढ़ना चाहते हैं या फिर जो मैं नोट्स बनवाऊंगी आप उससे नोट्स बना सकते हैं और गाइड से आप एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पवन की गाइड, वैसे मैं आपको गाइड देने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, आप ले भी सकते हो अगर आप मेरे जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी अगर आप उससे नोट्स बना रहे हैं तो आप फिर गाइड ले सकते हैं, आपको प्रॉपरली अलग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लास्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं तो गाइड ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको पॉइंटेड चीज़ें पढ़नी है, सब एक चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो फिर आप बुक ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन वाइज पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और मैं प्रॉपर आपको सभी सब्जेक्ट वाइज जो है वो नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी ही। तो ये डीएलएड की शिक्षा दर्शन प्रथम सेमेस्टर की डीएलएड की गाइड है ये आपकी, तो ये गाइड आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो सकती है और साथ ही आप लोगों को ये क्या कहते हैं ऑफलाइन कोई भी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो ये आपकी साहित्य पब्लिकेशन की बुक है, साहित्य पब्लिकेशन की गाइड भी अच्छी आती है, कोई डाउट नहीं है इस बात में, क्योंकि इसमें करेक्शन बहुत कम रहता है, मतलब गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहती, तो करेक्ट जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं गाइड अगर आप लेना चाहें। इसका प्राइस आई थिंक हम मुझे लग रहा है 250 से लेके कुछ 300 या 350 समथिंग ऐसा कुछ रहता है इनका प्राइस। तो ये कुछ आपकी गाइड हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस करी, ये आपकी एक पवन की गाइड है साहित्य पब्लिकेशन की। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि अलग से आप एक बुक ले सकते हैं, जैसे कि आप श्री विनोद पुस्तक मंदिर की आपकी अलग से जो बुक है ये ले सकते हैं, प्रॉपरली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको बुक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये पब्लिकेशन जो है ये है श्री विनोद पुस्तक मंदिर, ये आपको अलग से हर एक सब्जेक्ट की बुक जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट ठाकुर पब्लिकेशन भी की भी आप बुक ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ब्रॉड वे में पढ़ना है, आपको बहुत लेंदी तरीके से बहुत एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ना है, तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर नेक्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट जो आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वो की थी साहित्य पब्लिकेशन की, साहित्य पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूँगी अगर आपको पॉइंटेड तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, चीज़ें ईजिली वे में समझनी है, तो फिर आप साहित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। डीएलएड की साहित्य पब्लिकेशन की बुक उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेजों में प्रयोग कराई जाती है, सभी कॉलेजों में साहित्य पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, क्योंकि अभी तक 2 या 3 ही पब्लिकेशन हैं जो डीएलएड में हैं,
पहला तो साइड पब्लिकेशन, दूसरा जो है वो है ठाकुर पब्लिकेशन और श्री विनोद मंदिर वाला जो पब्लिकेशन है, ये तीन पब्लिकेशन है जो केवल अभी तक आप लोगों की डीएलएड के ऑल सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट नंबर पे चल रहा है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे बेस्ट है, वो है आप लोगों का साहित्य पब्लिकेशन, साहित्य प्रकाशन। तो इसकी बुक्स आप लोग ले सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये बुक्स अच्छी नहीं हो, ये बुक्स अच्छी हैं, इनके प्राइस भी ठीक है। प्रॉपरली आप लोग बुक्स ले लें और प्रॉपर अपने हाथ से नोट्स बनाएं। जो बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं वो बच्चे भी बुक्स से अपने नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। घर पे बैठ के अगर वो प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं तो 5-6 महीने में वो पूरा कोर्स भी कवर कर लेंगे, साथ ही मैं भी आपको पढ़ाती रहूँगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो बच्चे किसी रीज़न से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो आप लोग कूल डाउन, घर पे रहिए, मैं इजिली सर आपके सब्जेक्ट कराऊँगी। स्टार्टिंग में शायद मैं थोड़ा नहीं दे पाऊँ, फोकस नहीं कर पाऊँ बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स हैं, बट मैं आप लोगों के लास्ट एग्जाम तक सारी चीज़ें जो है वो कवर करा दूंगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और साथ ही आप लोग कॉलेज में भी पढ़ते रहिए और प्रॉपर आप लोग 5-6 महीने पढ़ाई करते हैं तो फिर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप 90+ परसेंटेज बना लेंगे ईजिली वे में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक भी कर दें अपने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।